हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो पंजाब बोर्ड के डिफरेंट पेपर्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ईयर की जो बुक है फिजिक्स की, इसके सारे चैप्टर यानी कि टोटल इसके 11 चैप्टर हैं, तो इसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है उनसे गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि भाई कौन कौन से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखते हैं जी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड। ठीक है, कौन से बोर्ड? पंजाब के सारे बोर्ड्स। ठीक है, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स। ठीक है जी, तो इसके टोटल हमारे पास है 11 चैप्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इधर चैप्टर नंबर 1 लिखता हूँ जी। चैप्टर 1 में आपका है जी मेजरमेंट्स। ठीक है, तो वैसे तो इस चैप्टर से बहुत मतलब मेजरमेंट्स इस चैप्टर से बहुत कम मतलब लॉन्ग के चांस बनते हैं, बहुत कम, क्योंकि ये किसी पेयर में इंक्लूड नहीं होता। लेकिन अगर कभी बन जाए तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो 2 बनते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब आ सकते हैं चांसेस। एक तो ये कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, वो जो 8 हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, तो ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट में भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, शॉर्ट में लिख दें तो 3-4 पॉइंट आप लिख दें। और जो दूसरे नंबर पर है वो हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये बस 2 इसमें है। आगे हमारे पास है जी चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल है जी 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस। तो पहले नंबर पर हमारे पास है जी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पता है एक डायग्राम है पूरी, फिर इसकी वो डेरिवेशन ही है, फिर इसके करैक्टरिस्टिक टाइप वो 4-5 पॉइंट्स हैं, फिर आगे क्वाड्रेंट्स के 4 पॉइंट्स हैं, तो वहाँ तक आप ये लिखेंगे तो पूरा ये 5 नंबर का आपका लॉन्ग पूरा होगा। अच्छा, फिर दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड स्केलर प्रोडक्ट, तीसरा हमारे पास है जी वेक्टर प्रोडक्ट। इन दोनों में डेफिनेशंस आ जाएंगी, डायग्राम्स आ जाएंगी, थोड़े थोड़े से 2-2 पॉइंट्स मैथमेटिक फॉर्म आ जाएगी, दैन फिर इनके करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, और एंड में लास्ट में इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो वो इनके कंपोनेंट्स की शक्ल में आखिरी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर फिर इनके एक एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसके अंदर लास्ट में एग्जांपल लिखे तो वो आप लिख सकते हैं। और नंबर 4 पर है जी हमारे पास टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क की डेफिनेशन आ जाएगी, सिंपल मैथमेटिक्स आ जाएगी, वेक्टर मैथमेटिक्स आ जाएगी, डायग्राम आ जाएगी, फिर आर के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, उसको करके सॉल्व करेंगे, फिर एफ के 2 कंपोनेंट सॉल्व करके करेंगे, सेम आंसर आएगा, फिर इसके यूनिट आ जाएंगे, और एंड में रोटेशनल मोशन का थोड़ा सा आप जिक्र करेंगे जो कि इसका लास्ट पैराग्राफ है, और ये लॉन्ग आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादातर ये और ये हैं, 2 आते हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए वो ये है। ठीक है, अब आ जाएं चैप्टर नंबर 3 पे। अच्छा जी, चैप्टर 3 आपका है जी मोशन एंड फोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपके बनते हैं जी 3। नंबर 1 पे आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, इसके अंदर आप मोमेंटम का जिक्र करने के बाद फिर
दो बार लें तो आपस में टकराई, फिर उसकी मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में बिफोर को या आफ्टर कहीं बराबर आ गया, एंड में कैलकुलेशन, तो यहाँ पर ही एंड हो जाएगा। डायग्राम्स छोटी छोटी सी बॉल वाली हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो ये बहुत लंबी मैथमेटिक्स है, ये वो है। फिर इसके आगे फाइनल वेलोसिटीज V1 प्राइम और V2 प्राइम तक निकालते हैं। फिर इसके आगे हैं चार केसेस। अगर एग्जामिनर पूछे कि चार केसेस करें तो करेंगे, मजबूरी है। अगर कहे कि भाई बस आप वेलोसिटीज निकाल के दें, ड्राइव कर दें वेलोसिटीज, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं आएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। टॉपिक यही होगा, लिखना यही होगा, बस वो स्टेटमेंट कुछ बदल देगा। वो कहेगा भाई ड्राइव दी फाइनल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटीज V1 प्राइम एंड V2 प्राइम, तो वहाँ तक फिर आप ये करेंगे, ठीक है। और नंबर थ्री पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये शुरू कहाँ से करनी है, ये यहाँ वाले से शुरू करनी है, ये जो इस तरह वाला है, ये वाली डायग्राम वाला। तो इधर से आप शुरू करेंगे वेलोसिटीज वाली, वो सारी कहानी शुरू करेंगे और एंड तक चलते जाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें ज़्यादा। अच्छा, चैप्टर फोर आ जाता है आपके पास। चैप्टर फोर हमारे पास आ जाता है जी वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो चैप्टर फोर वर्क एंड एनर्जी, तो इसके अंदर आपके बनते हैं चार। सबसे पहला आपके पास आ जाता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसके अंदर आपको पता है ग्राफ्स है, फिर अलग अलग डिवाइड करके ग्राफ को एक्सप्लेन करके सारा ये चलता है टॉपिक, तो ये वो आ जाएगा। दूसरा, इसके अंदर भी एक ग्राफ टाइप इमेज सी बनी हुई है, यानी कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो इन कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये यहाँ तक आपका है, ये इस तरह इसकी स्टेटमेंट आएगी, यहाँ शो डैट वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ वो कहेगा वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ एक और पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो इस टर्म में भी वो लिख सकते हैं। अच्छा, नंबर थ्री पर आपके पास आ जाएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। मैथमेटिक्स है, थ्योरी भी है, डायग्राम भी है, तो ये पूरा लॉन्ग वो आ जाएगा, तो ये भी आपने कर लेना तैयार। और नंबर फोर पे, नंबर फोर पे वैसे है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, लास्ट लॉन्ग है ये वैसे तो, उसके आगे वो छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये है, आपने ये इसको बताना है हमारे पास है जी इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के सेंस में आप लिख सकते हो, या वो कह सकते हैं प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या वो आपके कह सकता है प्रूव डैट काइनेटिक कन्वर्टेड टू पोटेंशियल, पोटेंशियल कन्वर्टेड टू काइनेटिक। तो ये वाली कहानी भी वो लिख सकता है। इसके अंदर क्या आता है कि एक मैस इधर था, वो थोड़ी देर बाद इधर गिरा, थोड़ी देर बाद इधर गिरा, आपने तीनों जगह पर उसकी वेलोसिटी चेक की, और सॉरी वेलोसिटी कह रहे एनर्जी चेक की, वो तीनों जगह सेम आ रही थी एनर्जीज का साउंड, तो ओवरऑल एनर्जी फिक्स रही। तो ये यहाँ तक, ये शुरू से चलेगा वहाँ तक आ जाएगा। फिर आपको होगा ये हमने आइडियल केस में किया, रियल केस में इसके साथ एफएच का एक फैक्टर आ जाता है, वहाँ तक ये फिर आपका लॉन्ग चलता है, ठीक है। तो ये थी चैप्टर फोर। नेक्स्ट हमारे पास है जी चैप्टर फाइव सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसमें ज़रा लॉन्ग की तादाद ज़्यादा है। चैप्टर फाइव सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल फाइव हो जाते हैं जी, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये आ जाता है। अब इसके अंदर आपको पता है एक सर्कुलर डायग्राम है, एक ट्राइंगल की है जिसमें हम एक्सेलरेशन ड्राइव करते हैं, तो मेन असल में इसमें एक्सेलरेशन का ही रोल है। तो निकालते हैं एंड में, फिर एक्सेलरेशन को फार्मूला एफ इक्वल टू एम ए में पुट करते हैं, वो फोर्स रहती है। फिर इसको हम लीनियर के वेरिएबल्स की शक्ल में लिखते हैं, एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और एंगुलर
एम आर ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में भी फिर हम इसे लिखते हैं। तो ये यहाँ तक फिर आपका लॉन्ग चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद नंबर थ्री पर हमारे पास आ जाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप। अच्छा, इसमें ये वैसे छोटा सा लॉन्ग है, इतना कोई इसमें बड़ी नहीं है साइंस, तो ये आप इसकी एग्जांपल्स हैं थोड़ी सी, वो आप कोट कर सकते हो लॉन्ग को लेंथी करने के लिए वो। अच्छा, नंबर थ्री जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स है। इसके अंदर आपने डिस्क और हुप लिया, उनकी वैल्यूज को पुट किया मैथमेटिक्स की, फिर आपने देखा अभी कौन ज़्यादा वेलोसिटी से आता है, डिस्क आती है, फिर डिस्क का फार्मूला वी डिस्क इज इक्वल टू वो अंडर रूट, वो जो फार्मूला है आपके पास टू ओवर अंडर रूट जो है उसके अंदर आप पुट करके लिखेंगे कि भाई ये इतने गुना हुप से ज़्यादा है, तो यहाँ तक ये आपका चलेगा। उसके बाद नंबर फोर पर आ जाता है आपके पास रियल एंड अपेरेंट वेट। ये जस्ट मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे ही आएगा आप लिख दोगे, वो कुछ भी कह सकता है। वो कहता है कि भाई मैं अर्थ पे खड़ा था तो मेरा वेट ये था, मैं लिफ्ट में गया मेरा वेट चेंज हो गया, तो जो वेट है उसको मैं अपेरेंट वेट बोलता हूँ, तो अब आप इस पे डिटेल नोट लिखे, इस तरह पूछ सकता है। ठीक है, तो ये उसकी डिफरेंट टेक्निक है कि वो किस सेंस में आपको ये स्टेटमेंट बना के देता है किसी भी लॉन्ग की। अच्छा, लास्ट में हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, सबसे पहले तो आप बताएंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता क्या है, फिर इसकी डेरिवेशन करेंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे सारी, एंड में फिर आ जाएगा फार्मूला, फिर उधर से आर की वैल्यू जनरेट करेंगे भाई इस जगह पर आर टोटल है, फिर अर्थ की वैल्यू जो अर्थ के आर रेडियस उसको माइनस करेंगे, एल्टीट्यूड हाइट आ जाएगा, हाइट की वैल्यू आप लिखेंगे भाई इतनी है, तो इससे यानी कि वो तकरीबन 36,000 बनती है, तो उतनी वैल्यू के ऊपर वो जो आपका सैटेलाइट होता है वो अर्थ के लिहाज से जियो स्टेशनरी हो जाता है। ठीक है, तो उस ऑर्बिट को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है जी चैप्टर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आई थिंक बनते हैं तीन लॉन्ग ही बनते हैं, ज़्यादा सर खींच खूँच के भी तीन ही बनेंगे। सबसे पहला है पूछ सकता है स्टोक्स ला एंड ड्राइव टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। अब आपको पता है टर्मिनल वेलोसिटी की पूरी एक मैथमेटिक्स है, तो आप वो कर सकते हैं वो पूरी मैथमेटिक्स, लेकिन वो स्टोक्स ला पूछ रहे, थोड़ा सा स्टोक्स ला को भी बता दो तो अच्छा फील होगा। अच्छा, टू पर आपको पता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अच्छा, ये एंड हो जाती है यहाँ पर A1V1 इज इक्वल टू A2V2, तो आपने बताना है कि AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और वो कॉन्स्टेंट का होता है V/T, फ्लो पर सेकेंड, वॉल्यूम ओवर T, तो यहाँ पर ये एंड करनी है आपने। और लास्ट में आपके पास है बर्नौलीज इक्वेशन, तो इन दोनों में ही डायग्राम है तो वो भी बनाएं लाजमी। और बर्नौलीज इक्वेशन स्पेशली आप बताएंगे कि भाई क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, फिर आप बताएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, फिर ये वाली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, और बर्नौलीज के अंदर आप बताएंगे कि भाई इन तीनों का सम पी प्लस रो जी एच वन और पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इनका सम कॉन्स्टेंट रहता है, तो यहाँ तक फिर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, चैप्टर 6 हो गया, अब आ जाएंगे चैप्टर 7 पर। चैप्टर 7 ऑसिलेशंस। चैप्टर 7 में हमारे पास टोटल आ जाते हैं जी तीन लॉन्ग। ठीक है, तो चैप्टर 7 में आपके पास हैं जी तीन लॉन्ग। चैप्टर 7 का नाम है जी ऑसिलेशंस, तो इसके अंदर तीन लॉन्ग जो हैं वो देख लें। सबसे पहला SHM विद सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसके अंदर तीन पॉइंट्स हैं,
माइनस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा खासा लॉन्ग है कि भाई आपने बताना एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो SHM भी उसके अंदर इंक्लूड है, फिर उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तीनों भी पूछ सकता है, दो पूछ सकता है या एक पूछ सकता है। तो ये कह सकता है कि सर्कुलर मोशन से कैसे लिंक्ड है SHM, फिर वो आपको कह सकता है कि भाई पहले वेलोसिटी निकालें एक्सेलरेशन निकालें, तो इस सेंस में ये आपको बनाकर दिया जा सकता है। अच्छा, नंबर दो पर आपके पास है, ये बड़ा आसान है जी, सिंपल पेंडुलम। आपको पता है पेंडुलम वाली में आपने कहानी सी है, बिल्कुल आसान सी कहानी है, मैथमेटिक्स है थोड़ी सी, डायग्राम लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी क्लियर करके डायग्राम बनानी है इसमें, ठीक है, वो है, और एंड में फिर इस टाइम पीरियड ऑफ फ्रिक्वेंसी पर ये एंड हो जाता है। अच्छा, लास्ट में लास्ट है जी, इनर्जी कंजर्वेशन इन SHM, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी आपका ये वाला, ठीक है। और अब हमारे पास है जी चैप्टर 8, वेव्स वाला। इसके अंदर हमारे पास है जी 4 लॉन्ग क्वेश्चंस। सबसे पहला है जी स्पीड वाला, फिर सबसे पहला है जी आपके पास स्पीड ऑफ साउंड वाला बाय न्यूटन एंड लेप्लास करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तो वो अकेला पूछ सकता है कि भाई स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन के लिखे हैं, या वो ये कह सकता है कि क्या ड्राइव या वो जो डेरिवेशन है सारी लेप्लास की, जो न्यूटन करेक्शन, लेप्लास ने जो करेक्शन की है न्यूटन की कैलकुलेशन में, उसे करें। तो दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, बिल्कुल इससे नेक्स्ट है ये। तो इसकी भी डेरिवेशन एंड तक डेरिवेशन चलती है, और फी नोट की आप वैल्यू पुट करते हो जो इन्होंने निकाली थी 333। अच्छा, थर्ड नंबर पर जी स्टेशनरी वेव, ठीक है। अब ये स्टेशनरी वेव्स दो सेंस में है, एक आपके पास है एयर कॉलम वाला और एक आपके पास आ जाता है स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला, ठीक है। तो ये दोनों में से एक पूछ सकता है, स्ट्रेच स्ट्रिंग और दूसरा एयर कॉलम्स, ठीक है, कॉलम, ठीक है। तो दूसरा एयर कॉलम वाला। लास्ट पर ये इंपॉर्टेंट है जी, इसमें बहुत डॉपलर इफेक्ट। तो इसके आपको पता है 4 केसेस हैं, वो 4 केसेस आखिरी केस तक ये चलता है। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा जी, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9, फिजिकल ऑप्टिक्स। चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स, ठीक है जी। चैप्टर 9 के अंदर हमारे पास हैं जी 5 लॉन्ग क्वेश्चंस। सबसे पहले नंबर पर आपके पास आ जाता है जी YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर न्यूटन रिंग्स। तो YDSE काफ़ी लॉन्ग आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर डायग्राम्स हैं दो तो हैं, एक तो वो जो एरोज वाली है वो है, और एक सिंपल सी है जो वेव फ्रंट्स वाली है, ठीक है। फिर इसकी डेरिवेशन है, फिर वो लिमिट फिक्स रहती है डेल्टा वाई एम लैम्डा एल ओवर डी, यहाँ तक फिर ये तकरीबन बनता है जाके, ठीक है। न्यूटन रिंग्स शॉर्ट्स है, ये भी ईजी है, लेकिन लॉन्ग टाइम में हमने लिखना है, इसकी डायग्राम अच्छी करके बनानी है। फिर आ जाए जी मकिल्सन्स इंटरफेरोमीटर, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर आपके पास है जो क्या कहते हैं डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग वाला, उसके बाद नंबर 5 पर आपके पास है जी
एक्सरेज, डाइफ्रैक्शन, ठीक है, बाई क्रिस्टल। तो इसका एक और नाम भी है, और वैसे भी कह सकता है इसको ब्रैग्स का, WH ब्रैग और WL ब्रैग वाली वो जो सारी कहानी इसके अंदर है, तो उसी नाम पर इसको एक नया नाम दिया हुआ है इस लॉन्ग को, ब्रैग्स ला। तो 2D साइन थीटा एन लैम्डा तक आपने ये लिखना है, तो ये वो वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 5। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर 10 आपके पास है जी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो 4 इधर लिख देते हैं। पहले नंबर पर है जी सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। मैग्नीफायर के तौर पे भी वो पूछ सकता है कि भाई मैग्नीफायर को लिखें, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नंबर 3 पर हमारे पास आया था जी एस्ट्रोनॉमिकल इन तीनों में डायग्राम बहुत ज़रूरी है भाई, जो रे डायग्राम्स है वो लाजमी बनानी है आपने, और मैथमेटिक्स तो फिर आपको पता है इंपॉर्टेंट है। और कभी भी मैथमेटिक्स पे आपने क्वेश्चन, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपने मैथमेटिक्स पे एंड नहीं करना, उसके नीचे कुछ ना कुछ कंक्लूजन लाइन्स लाजमी लिखनी है आपने, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर टोटल बनते हैं जी 4, और नंबर 4 पर हमारे पास है जी स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए जी 4 लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा, जहाँ पर आपने नोट करने या निशान लगाने, तो वीडियो पास करके रोक के आप देख सकते हो, उन पर निशान लगा सकते हो। अच्छा, उसके बाद आ जाएं जी चैप्टर 11 पर। चैप्टर 11 है जी लास्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, हीट एंड थर्मो डायनेमिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास हैं जी 5। सबसे पहले नंबर पे तो पहला ही हमारा आ जाता है जी प्रेशर ऑफ अ गैस, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बना सकता है कि भाई गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है, तो उस प्रेशर की आप कैलकुलेशन करके दिखाएं, या प्रेशर ऑफ गैस सिंपल आपको वो बता सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी जो कभी कभी बनता है ये शॉर्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये कभी कभी मतलब आ गया था एक बार ऐसे इस तरह स्टेटमेंट से, तो ये इसलिए है, बस इतना ख़ास कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। फिर ये आ सकता है प्रूव डैट CP-CV = R। तो ये आपको बताया था, इसके अंदर आपने पहले CP निकालना है, फिर CV निकालना है, फिर इनको पुट करना है, फिर जो हमारे पास फर्स्ट लॉ के अंदर हम पुट करते हैं, फिर PV इधर जो हमारे पास फर्स्ट लॉ था Q = ∆U + W की वैल्यू, फिर PV से फिर ये NRT बनता है, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपने यहाँ तक जस्ट इसकी मैथमेटिक्स जो आपने रट्टा लगाया हुआ है वो मैथमेटिक्स पुट नहीं करनी, पहले आपने CP निकालना है किसके बराबर था, CV भी निकालना है किसके बराबर था, फिर आपने ये सारी कैलकुलेशन पुट करके निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है। यानी कि इससे ऊपर वाले टॉपिक से आपने थोड़ा सा शुरू करना है कि आपने हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाली बता के उसकी मैथमेटिक्स लिख के फिर इसे स्टार्ट करना है। अच्छा, नंबर 4 हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कार्नट इंजन एंड कार्नट थ्योरम। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि भाई कार्नट थ्योरम क्या था, और उसकी बेस पे जो इंजन बना है जिसे कार्नट इंजन कहते हैं वो क्या है, या कार्नट इंजन सिंपल पूछ सकता है आपसे। और लास्ट में आपके पास काफ़ी नादर व शादर आने वाला टॉपिक वो है जी एंट्रोपी। एंट्रोपिक्स की स्टार्टिंग में डेफिनेशन मैथमेटिक्स, फिर एंट्रोपी बताएंगे क्या है, सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करती है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है फलां, और सारी इसकी थ्योरी है, तो फलां थ्योरी आपने एंड तक लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपके थे 5
लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।